आज का टॉपिक है डेटाबेस। डेटाबेस समझते हैं। वैसे डेटा नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टैटिक डेटा जो हम डायरेक्ट फाइल में कुछ भी हम लिख देते हैं वो स्टैटिक डेटा हो गया, और एक डायनामिक डेटा होते हैं जो रन टाइम में मतलब जब ब्राउजर में हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो कॉल होता है। तो वही डायनामिक डेटा जहाँ रहता है, जहाँ स्टोर होता है, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस का मैनेजमेंट एरिया है जहाँ से हम बहुत सारे काम करते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस क्रिएट करना, एडिट करना, टेबल बनाना, बहुत सारा काम होता है। तो वो है PHP माई एडमिन। तो आप अपने लोकल हॉस्ट के बाद /PHP माई एडमिन अगर टाइप करते हैं तो ये आता है PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन समझते हैं। PHP माई एडमिन वैसे एक थर्ड पार्टी है, मतलब किसी और कंपनी ने बनाया हुआ है, जिसका पर्पस है MySQL डेटाबेस को GUI मोड में प्रोवाइड करना। GUI मोड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मतलब हम विजुअली बहुत सारा काम कर सकते हैं क्लिक क्लिक करके। बट बहुत पहले ऐसा नहीं था, हमें क्वेरी करके डेटाबेस देखना पड़ता था, डेटाबेस के टेबल की रिकॉर्ड। बट PHP माई एडमिन हमें विजुअली सब चीज़ प्रोवाइड करता है, वो हमें पता होगा क्लास टू क्लास इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले तो डेटाबेस हम कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं? तो डेटाबेस बनाना आसान है, PHP माई एडमिन ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ ओपन किया है, अब इसमें समझे तो लेफ्ट साइड में ये जितने आ रहे हैं ये सब डेटाबेसेस हैं। तो ये हमारे सिस्टम में ये बना हुआ है, बट आपने अगर डेटाबेस नहीं बनाया है तो इतना नहीं होगा। कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं दो तीन, जैसे परफॉर्मेंस स्कीमा, ऐसे दो चार होते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें PHP माई एडमिन में आकर और यहाँ डेटाबेस में क्लिक करना होगा, फिर इसमें अपने डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ PHP ट्यूटोरियल। तो डेटाबेस बन गया, यहाँ लेफ्ट साइड में भी नज़र आ रहा है, और अभी हम अपने डेटाबेस के अंदर हैं। तो वैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट में, एक वेबसाइट प्रोजेक्ट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर डायनामिक प्रोजेक्ट है तो एक ही डेटाबेस होगा। अब डेटाबेस के अंदर टेबल्स भी होते हैं, क्योंकि ये सबको कैटेगराइज करके रखने के लिए। अब सपोज कोई वेबसाइट में प्रोडक्ट्स है, न्यूज़ है, वीडियो गैलरी है, फोटो गैलरी है, तो सबको कैटेगराइज करके अलग अलग हमें रखना होता है, तो टेबल चाहिए होता है हमें। टेबल जैसे हमारे प्रोजेक्ट में मेंबर्स नाम से बनेंगे, ताकि यूजर का डिटेल वगैरह हम डाल पाए। तो इसमें जो ये फील्ड होते हैं, कॉलम भी कहते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, प्रोडक्ट्स नाम से भी इन फ्यूचर बनेगा टेबल, जिसमें प्रोडक्ट का टाइटल, बॉडी में डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैटेगरी, कलर, मॉडल, कॉस्ट, ये सब हम रखेंगे। इस तरीके से न्यूज़ नाम से टेबल भी हो सकता है, अगर आपको न्यूज़ का वेबसाइट बनाना है उसका डेटा स्टोर करवाने के लिए। तो ये सब टेबल नेम है और ये कॉलम्स नेम है। तो टेबल बनाने से पहले हमें MySQL डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम टेबल का कॉलम जब डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप हमें बताना होता है। जैसे सबसे पहले वेर कैर जो ज़्यादा यूज होता है, वेर कैर में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रखा जाता है 255 कैरेक्टर के अंदर। अब जैसे नेम, ईमेल, एड्रेस, मॉडल, पासवर्ड, अब ये सब अल्फाबेट या न्यूमेरिक हो सकता है। अब जैसे किसी ने ईमेल डाला, तो इसमें अल्फाबेट भी है, न्यूमेरिक भी है, और ये 255 के अंदर हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको भैर कैर के अंदर रखा हुआ है। तो भैर कैर वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब जब हम नेम कॉलम देंगे तो इसका डेटा टाइम भैर कैर डिफाइन करेंगे, ये सोचकर। इसी तरीके से इंटीजर होता है। अब इंटीजर में भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे टाइनी इंटीजर,
इंटीजर को पार्ट वाइज किया हुआ है, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर। अब टाइनी इंटीजर जैसे देखें तो सिर्फ ये -127 से लेकर 127 तक का ही डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे एज के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि एज 127 के अंदर आता है। कॉन्टैक्ट नंबर जो हो गया, इसमें 10 डिजिट हमें चाहिए, तो 10 डिजिट के लिए बिग इंटीजर होता है। इसका हमने एक लिस्ट दिया हुआ यहाँ पे MySQL का। इसमें डिटेल में है सब चीज़ कि इसमें कितना डेटा स्टोर होता है। जैसे टाइनी इंटीजर हमने बताया -128 से 127, इसमें हमने यहाँ पे गलत लिखा था, -128 होगा 127 तक। और स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, इंटीजर में भी काउंट कर सकते हैं डिजिट, 10 डिजिट है पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मोबाइल नंबर स्टोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि मोबाइल नंबर नॉर्मली 9 से स्टार्ट होता है। तो अल्टरनेटिव यही है, बिग इंटीजर, काफी सारे इसमें डिजिट्स हैं। तो नॉर्मली जैसे कॉस्ट के लिए इंटीजर ठीक है, इंटीजर में यहाँ देख सकते हैं, सीरियल नंबर हो गया। अब ये हमने बताया हुआ है कि इंटीजर किस टाइप से फील्ड होते हैं, तो एज, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉस्ट, सीरियल नंबर, रोल नंबर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इंटीजर डेटा होते हैं वो इसी में से कोई एक डिफाइन करेंगे। अब ये फिक्स करना क्यों ज़रूरी होता है, एक्चुअली मेमोरी सेव करने के लिए, क्योंकि हमें पता है अगर एज इसके अंदर ही स्टोर हो जाएगा तो हमें नॉर्मल इंटीजर ये नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी सारा मेमोरी स्पेस लेता है जिसकी वजह से वेबसाइट इन फ्यूचर स्लो हो सकता है। तो वेबसाइट में डेटा जब ज़्यादा होगा डेटाबेस में, तो जब क्वारी करेंगे तो स्लो हो सकता है। तो जो डेटा को जितना स्पेस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट हो गया, जैसे काफ़ी सारा आपको टेक्स्ट स्टोर करना है क्योंकि बहरगढ़ जो था वो सिर्फ 255 ही स्टोर कर पाता था, तो टेक्स्ट इसका अल्टरनेटिव है। जैसे मैसेज रखना चाहते हैं अबाउट योर सेल्फ या बायो, तो ये सब के लिए टेक्स्ट अच्छा है। और डेट टाइम दोनों अलग अलग हैं वैसे, तो डेट आपको अगर सिर्फ स्टोर करना है जैसे डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन डेट, तो डेट में हो गया। इसका जो फॉर्मेट होता है YYMMDD, डेट टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर आवर, मिनट, सेकंड। अब डेट टाइम कब काम आ सकता है, जैसे आपको एग्जैक्ट टाइम भी मेंटेन करना है, जैसे लास्ट लॉग इन फील्ड हो गया, जैसे बैंकिंग वेबसाइटों में आप लॉग इन होते हैं तो हर मिनट मेंटेन होता है कब आप लास्ट टाइम लॉग इन हुए थे, तो आपको डेट टाइम यूज करना है। ईनम हो गया, ईनम में जैसे इस टाइप के डेटा जो फिक्स होते हैं बिल्कुल, अब जैसे जेंडर में आप चाहते हैं कि सिर्फ मेल और फीमेल में ही एक ही वैल्यू यूज करें, तो जब जेंडर फील्ड हम बनाएंगे तो उसका टाइप हम ईनम कहेंगे और वैल्यू हम फिक्स कर देंगे मेल या फीमेल। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है कि प्रॉपर्टी टाइप, जैसे रियल एस्टेट वेबसाइटों में प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं, तो फ्लैट, अपार्टमेंट, प्लॉट, इस तरीके से वैल्यू हमने डाल दिया जो हम समझेंगे कि यही वैल्यू है फिक्स है हमारी वेबसाइट में। अब स्टेटस भी काफ़ी सारे जगह काम आता है, जैसे मेंबर जब रजिस्टर होता है तो मेंबर का स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है, इनएक्टिव है या ब्लॉक किया गया है, तो स्टेटस नाम के फील्ड में भी ऐसे हम फिक्स वैल्यू दे सकते हैं। तो
तो टेबल हम बनाएंगे, उसमें ये सब चीज़ें यूज होगा अभी प्रैक्टिकली। तो टेबल हम मेंबर्स बनाते हैं। अब टेबल बनाने से पहले एक चीज़ हमने यहाँ नया बताया हुआ है, प्राइमरी आईडी जिसको कहा जाता है। कोई भी टेबल में जब रिकॉर्ड रखा जाता है तो एक आईडी होता है जिसको प्राइमरी आईडी कहा जाता है। अब ऐसे जनरली समझने के लिए, जैसे जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे नेम से रिकॉर्ड नहीं ढूंढा जाता है, एनरोलमेंट नंबर जरूरी होता है, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर यूनिक होता है। और 5 साल 10 साल बाद भी आप जाएंगे कॉलेज में, एनरोलमेंट नंबर से आपका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है, बट नेम कॉमन हो सकता है बहुत सारे लोगों का। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिकॉर्ड्स का एक यूनिक आईडी होना चाहिए, उसी को प्राइमरी आईडी या प्राइमरी की कहा जाता है। और जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो क्या होता है उसके अंदर, ऑटो इंक्रीमेंट होता है। जैसे सपोज मेरा रजिस्टर हुआ तो मेरा आईडी सपोज 1 हो गया, तो कोई और यूजर रजिस्टर हुआ उसका आईडी 2, फिर उसके बाद आईडी 3, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होते जाता है, अपने आप 1-1 इंक्रीज होते जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे अब 10 यूजर रजिस्टर हो गए, अब उसमें सेकेंड यूजर अगर डिलीट हो जाता है, मतलब जिसका आईडी 2 था वो डिलीट हो गया, तो ऐसा नहीं कि 3 जो आईडी है वो 2 की जगह आ जाए। तो सबका आईडी अपनी अपनी जगह ही रहेगा, चाहे वो 2 डिलीट हो या कुछ भी डिलीट हो, तो वो एम्प्टी हो जाएगा, बट एक दूसरे का वो जगह नहीं लेंगे। तो टेबल बनाते हैं हम, PHP में एडमिन में अपने डेटाबेस के अंदर हैं, PHP में एडमिन के अंदर अपने डेटाबेस में हैं। अब यहीं से टेबल बनता है, टेबल का हमने नाम डाला और कितने कॉलम में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम हो गए। अब पहले सबका नेम हमें डाल देना चाहिए, MID नेम, ईमेल पासवर्ड, MID नेम, ईमेल पासवर्ड। हमारे में ऐसे डालने से हिंट आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले से डाला था, आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर इनका डेटा टाइप हम सेट करते हैं, तो MID इंटीजर ही होगा क्योंकि इंटीजर में 10 डिजिट होते हैं, काफी एनफ होता है। नेम हो गया भैरकर, और जब भी हम भैरकर देते हैं डेटा टाइप ये, तो उसका हमें लेंथ स्पेसिफाई करना होता है। तो हम अगर सोच रहे हैं नेम 100 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा तो 100 डाल देना चाहिए, बट मैक्सिमम 255 होता है, तो उसमें आपको जितना लग रहा है उतना मेंशन कर सकते हैं। ईमेल भी भैर कैर ही होगा, इसका भी लेंथ 100, पासवर्ड भैर कैर होगा 100, कॉन्टैक्ट नंबर बिग इंटीजर रख सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग भैर कैर भी रखते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर में कभी कभी प्लस करके 91 फिर स्पेस देकर कुछ नंबर डाला जाता है, तो वो बिग इंटीजर सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे कुछ उसमें कैरेक्टर डाल देंगे। तो भैर कैर डालना सही माना जाता है कभी कोई केस में। अब इंटीजर नहीं देने का एक और रीजन है कि इसको हम कैलकुलेशन तो कभी नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर को, तो रख सकते हैं भैर कैर भी रख सकते हैं, बिग इंटीजर भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं भैर कैर ही दे देता हूँ। टेन डिजिट का होता है, फिर भी इसमें 15 दे देते हैं। एड्रेस भैर कर रखते हैं, अगर आपको लग रहा है 255 डिजिट के अंदर, सॉरी 255 कैरेक्टर के अंदर अगर एड्रेस आ रहा है तो भैर कर रखिए, अदरवाइज हमने बताया था टेक्स्ट, टेक्स्ट में काफ़ी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ हिंट में भी आ रहा है लिखा हुआ है मैक्सिमम लेंथ ऑफ। तो जेंडर जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था इनम फिक्स करने के लिए, तो जेंडर में इनम देते हैं ये, अब फिक्स वैल्यू यहाँ पे डाला जाता है।
अब इस तरीके से कोटेशन कोटेशन के अंदर पहला वैल्यू डालेंगे, फिर कॉमा कोटेशन के अंदर दूसरा वैल्यू डालेंगे। तो इस तरीके से जितने भी वैल्यू आपको फिक्स करना है वो इस तरीके से दीजिए, कोटेशन डबल कोटेशन भी चलेगा, कॉमा कॉमा सेपरेट करके। तो अभी हमने नेम दिया, टाइप दिया और लेंथ दिया सिर्फ वेर कर का। एम आई डी को हमें प्राइमरी डिक्लेयर करना होता है, तो यहाँ पे राइट साइड जाते हैं, इंडेक्स के अंदर जो प्राइमरी है इसे से प्राइमरी डिक्लेयर होगा गो, और एआई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। तो हमेशा जो आईडी होता है प्राइमरी आईडी जो हम समझते हैं उसको इंडेक्स में आकर प्राइमरी सेट करते हैं, और एआई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट को चेक करते हैं, तभी ऑटो इंक्रीमेंट काम करेगा। हमने यहाँ लिखा है एम आईडी को इंडेक्स प्राइमरी और एआई को चेक करेंगे, और फिर नीचे जाकर इसको सेव दबा देते हैं। तो इस तरीके से एक टेबल बन गया है। अब ब्राउज में अगर क्लिक करेंगे तो इन फ्यूचर अगर हमारे पास रिकॉर्ड होंगे जो मेंबर का वो यहाँ दिखेगा, अभी में रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये फ्रेश न्यू डेट टेबल हमने बनाया है, और स्ट्रक्चर में उसका जैसे हमने टेबल बनाया है जो जो कॉलम नेम है उसका टाइप है वो सबका यहाँ पे आ रहा है। अब कोई नया कॉलम आपको डालना है तो यहीं से आप डाल सकते हैं, जैसे 8 1 या 2 3 कॉलम, उसके बाद कौन से कॉलम के बाद डालना है तो इस तरीके से डाल सकते हैं। किसी को एडिट करना है तो यहाँ से क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अगर पीएचपी में एडमिन हम क्लोज कर दें, फिर से अपने डेटाबेस टेबल में जाना है तो लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी में एडमिन, उसके बाद अपना डेटाबेस ढूंढेंगे, पीएचपी अंडरस्कोर ट्यूटोरियल नाम से हमने बनाया। अब ये रहा टेबल, क्लिक करेंगे तो ब्राउज में एम्प्टी है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, स्ट्रक्चर में टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है। इन फ्यूचर और भी टेबल बनेंगे जैसे प्रोडक्ट्स का, तो इसको अभी नहीं बनाएंगे, प्रोजेक्ट में इसका जब जरूरत होगा तो बनाएंगे। अब डेटाबेस कम्युनिकेशन मतलब हम डेटाबेस से मेनली क्या क्या काम करते हैं, तो कभी हम क्रिएट करते हैं मतलब कुछ नया वैल्यू हमें इंसर्ट करवाना है, ये जो है ये कमांड का नाम है, ये लिखेंगे एग्जैक्टली हम, और ये हमने समझने के लिए लिखा है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्रूड कह सकते हैं, CRUD याद रखने के लिए। अब क्रिएट करने मतलब क्या है, जैसे कुछ नया डेटा हम इंसर्ट करना है, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करता है तो उसका डिटेल हमें इंसर्ट करना होता है, तो ये क्रिएट के अंदर इंसर्ट के अंदर आता है। रीड हो गया कि डेटा ऑलरेडी है उसको फेज करके हमें दिखाना है, तो वो हो गया रीड, जैसे प्रोफाइल पेज में यूजर का डेटा दिखता है या कोई प्रोडक्ट व्यू कर रहा है तो वो सब रीड या सेलेक्ट मोड में आता है। अपडेट हो गया कि डेटा ऑलरेडी है बट उसको अपडेट करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो हो गया अपडेट, और डिलीट नाम से समझ आ रहा है कि उस डेटा को बिल्कुल डिलीट कर देना है, तो वो डिलीट हो गया। तो मेनली ये चार काम होते हैं कोई भी वेबसाइटों में। अब जैसे आपका वेबसाइट न्यूज़ का है तो न्यूज़ को क्रिएट करना मतलब न्यूज़ नया डालना, उसको देखना, उसको अपडेट करना, डिलीट करना, ये मैनेजमेंट होना चाहिए। तो अब ये चीजें करते हैं। अब डायनामिक वेबसाइटों में डेटाबेस को इंटरैक्शन करने से पहले हमें सर्वर को ऑथेंटिकेशन करना होता है और अपना डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है, नहीं तो फिर हमें अलाउ नहीं होता है उसमें काम करने का। ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये एक हमारा सर्वर है, इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेटाबेस परचेज किया है, तो पर्टिकुलर यूजर को ही पर्टिकुलर डेटाबेस में एक्सेस मिलना चाहिए, अलाउ होना चाहिए, तो इसलिए ये पॉइंट जरूरी है। इसके लिए नॉर्मली एक पीएचपी फाइल बनता है और ज्यादातर इंक्लूड्स फोल्डर में रखा जाता है इसको, क्योंकि ये फाइल दूसरे फाइल में इंक्लूड होगा।
फाइल का नाम ज़्यादातर डेवलपर इसको कॉन्फिग डॉट पी एच पी नाम देते हैं या सेटिंग डॉट पी एच पी, क्योंकि इसमें कॉन्फिग्रेशन है सेटिंग से। तो इसमें डॉलर माई एस क्यू एल आई इक्वल टू न्यू माई एस क्यू एल आई, और यहाँ पे चार पैरामीटर होगा अंदर। पहला होस्ट का नेम, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड और डेटाबेस का नेम। तो होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट ही डाला जाता है। यूजर नेम हमारा जो लोकल सर्वर है उसमें रूट नाम से यूजर नेम डिफाइन होता है, तो हमें यूजर नेम में रूट ही रखना है। और पासवर्ड नल मतलब खाली छोड़ना है इसको, यहाँ पे पासवर्ड हम कुछ नहीं दे रहे हैं। और डेटाबेस नेम आपके पास जो डेटाबेस है वो नाम देंगे, हमारे पास ये डेटाबेस था तो ये नाम हम देंगे कोटेशन के अंदर। तो इस तरीके से होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। अब इसको कंफर्म किया जाता है इफ मींस कनेक्शन हुआ या नहीं, उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इफ डॉलर माई एस क्यू एल आई कनेक्ट एरर, तो इको कनेक्ट एरर। तो हमने जो जो डिटेल डाला है वो सब अगर ठीक है तो इट्स ओके, अगर कोई कनेक्शन में एरर आता है तभी ये एरर दिखाई देगा। तो इस फाइल को मैं अभी डायरेक्टली खोलता हूँ, बट इन फ्यूचर प्रोजेक्टों में इस फाइल को डायरेक्टली नहीं ओपन करेंगे, ये फाइल को दूसरे के अंदर इंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमें पता होगा। तो फिलहाल टेस्टिंग करने के लिए इस फाइल को हम डायरेक्टली ओपन करते हैं। तो कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे, मतलब कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं यहाँ डेटाबेस का नाम गलत देता हूँ तो प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑन नॉन डेटाबेस। यूजर नेम भी अगर गलत डालेंगे तब भी एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। तो ये होना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड तो यही होता है, होस्ट भी यही होगा, डेटाबेस आप जो बनाते हैं वो डालिए। और ये एक चेक होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे इफ डॉलर माई एस क्यू एल आई कनेक्ट एरर। अब ये नाम बिल्कुल फिक्स है क्योंकि जो हम माई एस क्यू एल आई का लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसमें यही प्रॉपर्टी है कनेक्ट एरर, जिससे चेक होता है कनेक्शन में एरर है या नहीं। तो वैसे काफी पहले सिर्फ माई एस क्यू एल होता था माई एस क्यू एल, बट उसके बाद एक माई एस क्यू एल आई नाम से लाइब्रेरी लाया गया जिसमें आई का मतलब इम्प्रूव होता है। तो इम्प्रूव में खासकर सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो माई एस क्यू एल है वो काफी सिक्योरिटी इशू है। ये कॉन्फिग डॉट पी एच पी फाइल हो गया। अब हम कोई भी फाइल बनाएंगे डायनामिक पर्पस के लिए, मतलब डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, तो ये फाइल उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हमें पता होगा।